summit was conceptualized under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi ji to provide equal opportunities of development to each sector of Gujarat. ये 20 साल वाइब्रेंट गुजरात के आज जितना सक्सेसफुल दिख रहा है, जितना स्मूथ दिख रहा है, उसके पीछे की यात्रा जो है वो बहुत कठिन थी. जब वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई तो इसे रोकने के लिए, यहाँ इन्वेस्ट करने आने वाले उद्योगपतियों को अलग अलग प्रकार से रोकने के लिए कई कोशिशें की गई थी, लेकिन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये यात्रा संघर्षों का सामना करके आगे बढ़ाई और उनके साथ गुजरात के प्रत्येक नागरिकों ने रात दिन एक करके गुजरात में आए हुए इन्वेस्टमेंट्स को अपॉर्चुनिटी में बदला. ये अपॉर्चुनिटी में बदल के बहुत ही बड़ी रोजगारी प्राप्त हुई, व्यापार की नई नई तकें मिली और उसके माध्यम से आज गुजरात में आप चारों दिशा में जो विकास देख पा रहे हो उसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा कारण वाइब्रेंट गुजरात भी है, वाइब्रेंट गुजरात मोदी जी और गुजरात के प्रत्येक नागरिक. वाइब्रेंट गुजरात कभी भी नंबर ऑफ एमओयूज के टारगेट के साथ नहीं चलाएं. वाइब्रेंट गुजरात हमेशा दुनिया की मांग, सप्लाई और डिमांड चेन के बीच की जो गैप है उसका प्लेटफॉर्म बनाए. कई सेक्टर्स पे डिस्कशंस हुए, इन्वेस्टमेंट्स आए, कई नए सेक्टर्स, कई जूनियर ट्रेडिशनल सेक्टर्स पे. आपकी अंडरस्टैंडिंग में ऐसे कुछ सेक्टर्स कौन से थे जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आया, इतने फॉरेन डेलीगेट्स थे उनका इंटरेस्ट आया, दो से तीन ऐसे सेक्टर्स कौन से रहे इस वाइब्रेंट गुजरात जहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देखा गया? सबसे पहले तो गुजरात का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री गुजरात में स्थापित होने जा रही है. आप और मैं दोनों जानते हैं पिछले कई सालों से आजादी के बाद देश के कई प्रधानमंत्री ने देश में कई अलग अलग अवसर पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लाने के लिए प्रयास किया गया. देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा ये सेमीकंडक्टर यूनिट को लाने में एक सफलता प्राप्त हुई और मात्र 60 दिनों के अंदर उनकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, सभी प्रकार की प्रोसीजर्स खत्म होती है और जमीन पे काम चालू हो जाता है. और आज सुबह तक के स्टेटस में जो टारगेटेड टाइम है उससे प्रीवियसली वो प्रोजेक्ट चालू हो पाए, उस प्रकार से काम चालू है. एक तो सेमीकंडक्टर यूनिट हो गई, ईवी मोबिलिटी, ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी लोगों में इंटरेस्ट देखा, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी. ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन में गुजरात वो देश का हब बन रहा है. इन 2030 गुजरात जितनी एनर्जी यूज कर रहा है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, मैं ये मान रहा हूँ कि उसमें से 50% जितनी ग्रीन एनर्जी होगी. आज भी देश की 33% से ज्यादा ग्रीन एनर्जी गुजरात एकमात्र राज्य है जो प्रोड्यूस करता है. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. एक पॉइंट गुजरात ये भी माना जाता है कि इसका बेस्ट ट्रांसलेशन रेट है फ्रॉम एमओयू टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो स्टेट पे आता है. मुझे कल ही आपसे समझना था कि जो प्रीवियस वाइब्रेंट गुजरात में कमिटमेंट्स किए थे, कोई डेटा है जो हमें बता सके कि कितना ट्रांसलेट हो पाया है सिंस देन, 5 साल हुए और इस टाइम भी जो इन्वेस्टमेंट्स कमिट होंगे, आपका क्या एस्टिमेशन है जो हिस्ट्री ट्रेंड रहा है कि बिफोर टाइमलाइन कितना वो ट्रांसलेशन में आपको दिखता हुआ दिखेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हम कागजों पे काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम कागजों के महल में नहीं रहते हैं, हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं. जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका रिपीटेड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो अपने आप में एमओयूज जमीन पे एस्टैब्लिश मतलब के एग्जीक्यूशन हो रहे उसका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है. सेकंड चीज के इसके हर साल एक जो डेटा है एमओयूज हुए उसके बाद एग्जीक्यूशन कहाँ पहुंचा, एग्जीक्यूशन कौन से स्टेज पे अटका हुआ है, कहाँ व्यापारी को तकलीफ है, इन्वेस्टर्स को किस चीज में तकलीफ आ रही है, वो स्वयं मुख्यमंत्री जी वो विषय पे क्वार्टरली बैठक लेते हैं. अधिकारी तो रेगुलर इन्वेस्टर्स के साथ संपर्क में रहते ही है
लेकिन खुद राज्य के मुख्यमंत्री बैठ के वो रिपोर्ट ले और उसको एग्जीक्यूशन किस प्रकार से हम और स्पीड से करा पाए उसकी चिंता करें, उसके कारण आज हमें इतने इन्वेस्टमेंट मिल रहे हैं। और कुल मिला के जो लास्ट स्टेटस जो देखा था वो 92% से ज्यादा MOUs एग्जीक्यूट हो चुके थे। फिर भी उसका एग्जिट आंकड़ा वाइब्रेंट गुजरात जब समाप्त होगा तब नए MOUs के साथ हम लोग ये वक्त जो पिछले MOUs में कितना एग्जीक्यूट हुआ है उसकी भी डिटेल्स पूरी देने वाले हैं। एक सवाल जो सभी के मन में था और इसकी बहुत चर्चा भी थी वाइब्रेंट गुजरात स्टार्ट होने से पहले, वो था टेस्ला की गीगा फैक्ट्री। ये स्पेकुलेशन था कि टेस्ला अनाउंस कर सकता है अपनी गीगा फैक्ट्री सानंद के आजू बाजू। इसमें हमें थोड़ा सा आइडिया दीजिए, कुछ भी काम हुआ है, उन्होंने लैंड देखी है, कुछ ड्यू डिलिजेंस चालू है, गवर्नमेंट से कुछ भी बात चालू है टेस्ला और गुजरात गवर्नमेंट के बीच में? अगर चालू होगी तो भी मैं आपको बताऊंगा क्या। और खास तौर पे ये किसी ने खुद ने सोचा, खुद ने बोला, ऐसी कोई आधिकारिक माहिती मेरे पास नहीं है। और इसमें अगर कोई ऑफिशियल माहिती होगी तो जरूर से डिपार्टमेंट की ओर से दी जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर से कहूंगा कि वाइब्रेंट गुजरात मेक इन इंडिया ई व्हीकल्स के लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के मैन्युफैक्चरर्स के लिए गुजरात एक सबसे लोकप्रिय लोकेशन है और कई और कंपनीज भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए डिस्कशन में है। मुझे विश्वास है कि अच्छी सफलता प्राप्त होगी और बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज गुजरात में आएगी। और सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि मेरे देश के युवा जो मेहनत करके R&D करके जिन्होंने EV में अच्छी सफलता प्राप्त की है उनके लिए भी गुजरात एक लोकप्रिय हब बन रहा है। आपके आंसर से मैं एक चीज क्या कंक्लूड कर सकता हूँ आपकी परमिशन से, और वो है कि अगर जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि टेस्ला को इंडिया में लाया जाए, अगर वो डिस्कशंस चालू होते तो गुजरात उसके फोरफ्रंट पे रहेगा वो डिस्कशंस के कि टेस्ला का गीगा फैक्ट्री का प्लांट यहाँ पे आ सके। क्या वो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ? मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि इसकी कोई भी आधिकारिक माहिती मेरे पास नहीं है और एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पे आधिकारिक माहिती नहीं हो और आपसे शेयर करूं तो वो ठीक नहीं है। लेकिन ये चीज मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि गुजरात EV के लिए एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है।